कैसे हो दिल्ली वालों, मैं गौरव सिटी पहुंच गया हूं कॉमिक कॉन इंडिया के इवेंट में जो कि है ओखला ग्राउंड में। तो कॉमिक कॉन के लिए सबसे पहले तो हम लोग सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ के हमने पकड़ी मेट्रो। तो मेट्रो में जाते हुए आप लोग देख सकते हैं हमारे 108 फुट वाले हनुमान जी की मूर्ति। तो जल्दी से बोल दीजिए दोस्तों, जय श्री राम जय बजरंगबली। इनको मंदिर को हम क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचे इंडिया गेट। तो इंडिया गेट का भी व्यू हम आपको दिखाते हैं। तो इंडिया गेट का व्यू जो एकदम मस्त आया है, जो तीनों मॉन्यूमेंट्स है वो एकदम एक लाइन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए मस्त मज़ा आ गया। तो पहुँच गए हम लोग कॉमिक कॉन इंडिया के इवेंट में जो कि है ओखला NSIC ग्राउंड में। तो आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, बाहर दो गेट बना रखे हैं, पूरा टेंट वाला सिस्टम सारा कुछ बना रखा है, कॉस्प्ले का अलग। तो सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद हम गए अंदर। तो अंदर घुसते के साथ ही जो मारुति सुजुकी का वेन्यू है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमिक कॉन पावर्ड बाय है मारुति सुजुकी। तो उसके बाद आप लोगों को ये जो अलग अलग टेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोगों को अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, कहीं पे कॉमिक्स देखने को मिलेगी, कहीं पे वीडियो गेम देखने को मिलेगी, साथ में बिंगो के भी स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे आप गेम्स वगैरह खेल के जो इनके गुडीज है वो जीत सकते हैं। ये देख सकते हैं कॉमिक्स, DC की कॉमिक्स हो गई, मार्वल्स हो गई, मतलब हर तरीके की आप लोगों को यहाँ पे कॉमिक देखने को मिलेगी। साथ में जो स्टैचूज है अलग अलग, जैसे गोकू हो गया और अलग अलग जो जो भी कैरेक्टर्स है, स्पाइडरमैन हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग, एक DC का ये स्टॉल है जहाँ पे गॉडज़िला कॉन्ग जो कि अभी अपकमिंग मूवी आने वाली है इनकी द न्यू एम्पायर, उसका एक शोकेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, पोस्टर देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं बाहर की साइड है एक्वामैन का एक ये एंट्री गेट, इसके अंदर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को चारों तरफ से दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग डीसी का जो स्टॉल है, साथ में उसके साथ कुछ छोटे छोटे बॉन्ग करके भी हैं, अलग अलग चीज़ों के आप लोगों को स्टॉल देखने को मिलेंगे। टी शर्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, टी शर्ट्स हुडीज आप लोग यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, जो कि नॉर्मल जो भी उनका प्राइस होता है उससे ओवर प्राइस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MTR का भी स्टॉल लगा है। यहाँ पे भी जो गेट है काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा है, मिनट वर्स लिख रखा है। हालांकि एक और इसका जो ऑप्शन होता है मल्टीवर्स, बट ये है मिनट वर्स। तो धीरे धीरे हम लोग आगे आगे पहुँचते 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 हम लोग पहुँच गए क्रंची रोल के पास। क्रंची रोल भी जो खाने पीने की चीज़ें बनाता है, मतलब मिनट मेड चीज़ें, जैसे आलू टिक्की हो गई, फ्रेंच फ्राइज हो गए, बस खोलो तलो और खा लो। उसके बाद ये अलग अलग स्टॉल्स है, देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े टंगे हुए, पोस्टर्स है, पैंट्स है, जीन्स है, हुडीज है। सामने जो मेन स्टेज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ऊपर जो तैयारी वगैरह सब चल रही है, क्योंकि हम लोग टाइम से थोड़ा पहले यहाँ पे पहुँच गए, और टाइम से पहले पहुँचने के बाद हमने देखा कि अभी तो तैयारी यहाँ पे बस चल ही रही है। धीरे धीरे स्टेज देख सकते हैं पूरा पूरा खाली। यहाँ पे कॉस्प्ले जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के आएंगे उनके लिए वॉल बना रखी है। यहाँ पे आके आप कॉस्प्ले वालों के साथ फ़ोटो सेल्फीज वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अदर लेन में चलते हैं। तो अदर लेन में भी चल के देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे जो टेंट्स है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब टेंट्स मीन्स स्टॉल्स, ऑक्टन स्टॉल देखने को मिलेगी। देखिए अलग अलग तरीके के चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, मोस्टली यहाँ पे हुडीज टी शर्ट्स जिसमें अलग अलग प्रिंट्स हो रखे हैं, अलग अलग डिज़ाइन हो रखे हैं, वो सब आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आप लोगों का कॉमिक्स हो गई, वीडियो गेम्स हो गई, या अमूल का जो स्टॉल है आप देख सकते हैं, अमूल ने भी अपना स्टॉल लगाया, बट यहाँ पे अमूल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। यहाँ पे अमूल की अलग ही वो चल रही थी अपनी स्ट्रेटजी। तो दूसरी साइड से स्टेज का व्यू, उसके सामने का दूसरी बार आप लोग देख लीजिए व्यू, पहली बार तो मैंने आपको दिखाई दिया।
साथ में कॉमिक कॉन के वॉलंटियर्स घूमते हुए अब आप लोगों को धीरे धीरे जो है कॉस्प्ले वाले जो कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर बन के आ रहे हैं, वो आप लोगों को धीरे धीरे देखना शुरू हो जाएगा। सामने आप देख सकते हैं लाल बालों के अंदर एक लाल परी, यहाँ पे काले कपड़ों के अंदर बैटमैन, जोकर भी अभी आना बाकी है। जोकर और बैटमैन आएंगे, फिर लड़ेंगे कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे आ चुके हैं हमारे आयरन मैन, इंडियन आयरन मैन, जो कि आयरन मैन की दूसरी कॉस्ट्यूम थी, है मोटे वाला आयरन मैन है। पतले वाले आयरन मैन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे जो है इन अलादीन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं गोकू एक ब्रांड की प्रमोशन कर रहा है, तो उस पर गेट पे ही खड़ा है। यहाँ पे को ये भी तीन चार तरीके के हैं, पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। जो जो कैरेक्टर्स के मेरे को नाम पता है वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जो जो नहीं पता आप लोग मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके। अभी देख सकते हैं धीरे धीरे बस तैयारियाँ चल ही रही है अभी तक, लेकिन जो क्राउड जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। स्टार्टिंग में एकदम खाली था, बट अब ये थैले लटका लटका के आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने दो दिन का पास ले रखा है उन्हें एक थैले मिल रहे हैं, जिन्होंने तीन दिन का पास ले रखा है उन्हें एक सुपर फैन का एक डब्बा सा मिल रहा है, और एक दिन पास वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी दो कैरेक्टर खड़े हैं, यहाँ पे तीन कैरेक्टर्स हैं, आई डोंट नो पता नहीं कौन कौन से इंटरनेशनली कैरेक्टर्स हैं, मोस्टली इंडियन कैरेक्टर तो मुझे इस पूरे कॉमिक कॉन के इवेंट में कहीं भी देखने को नहीं मिला कि कोई भी इंडियन कॉमिक्स रिलेटेड कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के आया हो। हर कोई बस इंटरनेशनल ही कॉमिक्स के किरदार बन बन के आ रहे हैं। ये भाई साहब आए हैं इतना खतरनाक कॉस्ट्यूम पहन के कि इतने आराम आराम से चल रहे कि कहीं फूट ना जाए। सामने स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस शुरू हो गई जो कि हैशटैग ग्रुप की तरफ से है। इसमें हैरी पॉटर का जो म्यूज़िक है उस पर ये प्ले चल रहा है। मजे लीजिए आप हैरी पॉटर के म्यूज़िक का। उसके बाद जो दूसरी परफॉर्मेंस भी आई ये भी हैशटैग ग्रुप की तरफ से ही है। ये थोड़ा सा क्या बोलूँ, लाल और काले कपड़ों में से सीरीज का नाम याद आ रहा है, नाम आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताइए। ये भाई साहब भी आ गए, एक गेम के किरदार हैं, उनका भी मेरे को नाम याद नहीं भूल गया। धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं शाम होते होते क्राउड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आयरन मैन ऑलमोस्ट तैयार हो गया, बस इनको अपने कैप लगानी है और फिर ये पूरे आयरन मैन बनने के लिए तैयार है। एंड में हम लोग गए गेमिंग अरीना में, क्योंकि कॉस्प्ले वगैरह सब कुछ हो गया था ख़त्म। उसके बाद हम लोग घुस गए गेमिंग अरीना में, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लेनोवो, HP, आसूस, PS5, हर ब्रांड के जो स्टॉल्स है वो लगे हुए थे। यहाँ पे आप जाके गेम्स खेल सकते हैं, और गेम्स खेलने के बाद अगर आप जीतते हैं तो गुडीज़ वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकती है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। तीन दिन का ये शो है, 8, 9, 10, तो अगर गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए हो तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लेकिन ज़रूर जाएँ और इन्जॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।